इटावा पुलिस ने हाल ही में हुए टीवी एंकर की पत्नी की हत्या का खुलासा कर दिया। टीवी एंकर अजितेश मिश्रा की पत्नी दिव्या इटावा में अपने सास ससुर के साथ रहती थी। 14 अक्टूबर को दिव्या मिश्रा की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के अनुसार इस हत्या के पीछे अजितेश का ही हाथ है। पुलिस ने आरोपी पति अजितेश और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक लड़की भी शामिल है। बताया जाता है कि अजितेश की नोएडा में एक गर्लफ्रेंड भी है और उसी को लेकर उसने अपने पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में न्यूज एंकर अजितेश मिश्रा और उसकी प्रेमिका भावना आर्या और हत्या करने वाले साथी अखिल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले का इतना जल्दी खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी ने 15,000 रुपए का नकद इनाम प्रदान किया। जनपद इटावा में 14 अक्टूबर को थाना कोतवाली में एक महिला दिव्या मिश्रा की हत्या की घटना ये प्रकाश में आई थी, जिसपे काम करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। आज पुलिस को इस जो घटना में बड़ी सफलता हाथ लगी है, इस घटना में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो महिला थी दिव्या मिश्रा, उसके पति ही अजितेश मिश्रा ये जो पहले अभियुक्त हैं, जो एफएम न्यूज चैनल नोएडा में काम करते हैं। दूसरे हमारे अभियुक्त जो था अखिल कुमार सिंह, वो भी सेम न्यूज चैनल में काम करता है। और तीसरी एक महिला है जो अजितेश की महिला मित्र थी, जो इसको जिसको पकड़ा गया है। इस घटना में ये निकल के अभी आया है पूछताछ में कि अजितेश मिश्रा के जो न्यूज चैनल एफएम न्यूज चैनल में कार्य करते थे, वहीं पे सेम न्यूज की में न्यूज चैनल में काम करने वाली एक महिला मित्र से संबंध हो गए थे और अपनी पत्नी से भी अनबन थे, और इसी कारण, इस अनबन के कारण और अपने महिला मित्र के संबंध के कारण अपने मित्र के साथ मिलके इन्होंने इस हत्या की घटना को कारित किया है। हत्या वाले दिन 14 अक्टूबर को जो अजितेश का मित्र है अखिल, वो नोएडा से इटावा आता है, एक नए मोबाइल और सिम का प्रयोग करता है। चूंकि दिव्या पहले से ही अखिल को जान रही होती है, जब वो नोएडा में रहा करती थी, दोनों का फ्लैट आमने सामने ही था। अखिल जो है आराम से इस नजदीकी का फायदा उठाते हुए इटावा में जो आवास है उसमें आराम से अपनी एंट्री प्राप्त करता है, दिव्या के कमरे में जाता है। वहां पे बातचीत के दौरान मौका पाते ही दिव्या पे वो हमला कर देता है, एक गुलदस्ते से उसको मारता है और उसके बाद उसका सर जमीन पे पटक के उसकी हत्या कर देता है और वहां से फिर फरार हो जाता है। पुलिस ने इसमें सर्विलांस लेवल पे मैनुअल आधार पे कार्य करने के बाद ये निकाला कि अजितेश मिश्रा के अपने महिला मित्र से संबंध होने के कारण और अपने पत्नी से अनबन होने के कारण अखिल कुमार सिंह का प्रयोग करते हुए इस हत्या की घटना को कारित किया है। इस हत्या की घटना का खुलासा 2 दिन के अंदर कर दिया गया है और ऐसी सराहनीय कार्य करने वाली हमारी पुलिस टीम को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि हम सुनिश्चित कराएंगे कि ऐसे जो भी लोग हैं इन सबको सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you never miss any video from my channel.